जी नमस्कार मैम, कैसे नमस्कार। हैं आप? ठीक। नया साल आ रहा है, 2022 लग जाएगा और आप आबूपुर से प्रधान हैं, महिला शक्ति को मजबूत कर रही है। आबूपुर को वासियों को क्या नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी ग्रामवासियों को सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगी तहे दिल से। उसके बाद नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आने वाला साल उनके लिए बहुत ही शुभ हो। 2022 में आबूपुर के वासियों को इस बार तोहफे में आपकी तरफ से क्या मिलने जा रहा है? नव वर्ष पर हमारी तरफ से एक तो गांव की हम सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि गांव अच्छा साफ स्वच्छ होगा, उसके वादा करते हैं हम इस चीज के लिए उन्हें। दूसरा, लाइटिंग की हम व्यवस्था पे पूरा ध्यान देंगे कि हर जगह पे लाइट हो, रोशनी हो हर जगह, स्ट्रीट लाइट। जी बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने देखा कि अब बाहर पुस्तकालय हो गया है जी, और मुझे लगता है थोड़े समय में इसका शुभारंभ भी हो जाएगा जी। क्या गांव में एक पुस्तकालय की आवश्यकता थी? जी बिल्कुल, आपने वादा भी किया था। हाँ जी, हाँ जी, नहीं पुस्तकालय की जरूरत थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे हम वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे उन्हें, जिन्हें उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े, तो अपना यहीं पे पढ़ाई होगी उनकी, अपना करेंगे जो भी। जी, मेरी एक आखिरी सवाल हो रहा है आपसे। अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं कि स्थिति बेकाबू है, नाइट कर्फ्यू लग चुका है 11 बजे से 5 बजे का, और उत्तर प्रदेश में भी है शायद, और दिल्ली में सिनेमा हॉल सब कुछ बंद भी हो गए जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है। अगर ईश्वर न करे, क्योंकि आपका गांव एनसीआर में ही आता है, ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, अगर ईश्वर न करे कोरोना काल को लेकर या ओमिक्रॉन को लेकर स्थिति आपके गांव में बेकाबू होती है, क्या इससे निपटने के लिए आपने कोई तैयारी कर रखी है? इससे निपटने के लिए तैयारी के ये हम लोगों को जागरूक ही करने हैं इतने टाइम से उस चीज़ के लिए, भाई कम से कम बाहर निकलो, मास्क का ध्यान रखो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, और यही है, वैक्सीन अपने लगाओ, अपने अभी बूस्टर भी आ गया है, अपना बूस्टर भी लें अपना जी। मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखें जी जी, साबुन से हाथ धोए, लापरवाही से हाथ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलिए, ये थी श्वेता पवार जी, इनका कहना है कि सामाजिक दूरी अभी बनाए रखें, और जैसे कि इन्होंने वादा किया था चुनाव लड़ने से पहले कि गांव में पुस्तकालय बनेगा, पुस्तकालय बन चुका है, उसका शुभारंभ कब तक होगा? जल्द से जल्द होगा। लेकिन एक बात अच्छी लगी, मैंने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा गांव में जितना परिवर्तन हो रहा है इससे पहले नहीं हुआ। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि गांव में कैसा परिवर्तन हो रहा है। नव निर्वाचित प्रधान जी से मुलाकात करी, उनकी धर्मपत्नी श्वेता पवार जी से भी मुलाकात करी, और कृष्णवीर जून जी से भी मुलाकात करी। अब हम हैं उस जनता के साथ जिस जनता ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है। आइए मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि गांव में कैसा काम हो रहा है। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी जी, अच्छा प्रवीण जी, अभी मैं देख कर रहा हूँ कि गाँव में एक पुस्तकालय बना है, उनका कहना है कि हम विद्यार्थी आए जिन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया, वो आके यहाँ पढ़े नहीं, अच्छी बात है, तो पुस्तकालय बना अच्छी बात है, और प्रधान जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गांव में। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? भाई सफाई का, बिजली की लाइटों का, जैसे पुस्तकालय बना है वो जो भी काम है वो सभी ठीक कर रहे हैं, अभी काफी काम किया। अच्छा, मेरी प्रधान जी से भी बात हुई तो उनका कहना है कि मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण कदम रहेगा वो शिक्षा की तरफ ज्यादा रहेगा। ठीक है, इंटर कॉलेज बन जाए, भाई आठवीं तक है अभी, यहाँ दसवीं तक, दसवीं तक या इंटर जो भी हो जाए तो वो और अच्छी बात है, ये हो जाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा देखिए, पार्क, ये खिलौने पार्क पूरा दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नव निर्वाचित प्रधान बने आबूपुर से श्वेता पवार जी, कृष्णवीर जून जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुस्तकालय यहाँ बन चुका है 8 बजे से 10 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, और जो यहाँ के मूल निवासी है वो हमारे साथ आइए, उनसे चर्चा करते हैं कि ये पुस्तकालय का उद्देश्य जो बनाए किस उद्देश्य से बनाए। क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक जी, ये भी दीपक की तरह जगमगा रहा है आपका गाँव आबूपुर जो है। हाँ जी, इस बात में सच्चाई है बिल्कुल। अच्छा, ये पुस्तकालय किसने बनवाया? हमारे गाँव प्रधान कृष्णवीर जून जी बनवाया जी पुस्तकालय जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गांव में एक पुस्तकालय बनाने की आवश्यकता थी या नहीं थी? जी आवश्यकता थी, तो यहाँ बच्चे आके पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहाँ पुस्तक पढ़ेंगे, अपना आने वाला सुनहरा भविष्य तय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है सर, एक अच्छी शुरुआत है, पहली अच्छी शुरुआत है। क्या कहना चाहिए दीपक जी आप इस बारे में, पुस्तकालय के बारे में?
ये मैंने बढ़िया कहूँगा। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा गांव में जो बाकी काम है वो कैसे हो रहे हैं? ये बढ़िया हो रहा है गांव में काम, बढ़िया अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है गांव में, परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल। जो आपको उम्मीद थी इस बार कि गांव में इस बार बहुत परिवर्तन होगा, कैसे मतलब जो नवनिर्वाचित प्रधान है कैसे काम कर रहे हैं और कैसा आपको महसूस हो रहा है? महसूस ये हो रहा है गांव में बहुत ज्यादा परिवर्तन है और इतना अच्छा कार्य चल रहा है, शायद भविष्य में और इससे भी ज्यादा कार्य अच्छा हो। श्वेता पवार जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी आबूपुर के वासियों को और अभी कहा कि इन 5 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन गाँव में होने वाला है, आगाज हो चुका है। अब हमारे साथ है कृष्ण मीर जून जी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर गांव में मैं जब भी आपके आता हूं तो कुछ ना कुछ मुझे एक नई चीज देखने को मिलती है। पहली बार मैं आया तो मुझे मिनी सचिवालय मिला, पानी बचत करने की योजना देखी और गांव में मैंने स्ट्रीट लाइटें देखी और इस बार एक अच्छा पुस्तकालय यहां खुल चुका है जी। क्या और भी आने वाली योजनाओं में और भी कुछ प्लानिंग है? हाँ बहुत हैं, पुस्तकालय तो हमारी इच्छा थी, जो हमारे गाँव की बालिकाएँ हैं छोटे बच्चे हैं वो यहाँ आकर न्यूज़पेपर पढ़ें, तरह तरह की हिस्टोरिकल पुस्तकें पढ़ें और एक पढ़ाई का माहौल हो, जैसा कि बड़े बड़े कॉलेजेस में शहरों में पुस्तकालय होते हैं, हम भी इसी तरह की शुरुआत गांव में करना चाहते हैं। दूसरा देखिए, गांव में हमारा विशेष ध्यान सफाई पे है, स्ट्रीट लाइट पे है, चैनल्स पे है और जो नालियां हैं उन पे हैं। हम समय समय पे सरकार द्वारा जो बालिका गरीब बच्चियों की जो शादियां हैं जो उनकी योजना है उसका समय समय पे हम अपने बेटियों को लाभ भी दिलवा रहे हैं। सरकार की ये योजनाएं बहुत सराहनीय भी हैं और हम भी लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आप किसकी शादी है हमें बताइए, हम सरकार से उसको ऐड दिलवाएंगे, काफ़ी बच्चों को हमने दिलवाई भी है। दूसरा हमारा हमने एक पत्र भी लिखा हुआ है, ये इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा स्कूल, हमारी बहुत मन से ये इच्छा है कि ये एटलीस्ट 10th तक का तो हो जाए, हमारा प्रयास उसमें भरसक है और हम दिल से चाहते भी हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्य में हमें पूरा गांव सपोर्ट करें। जो लोग हमें पसंद नहीं करते उनका भी हमें सहयोग इसमें सराहनीय है, ये गांव हित के लिए है। सर अभी मेरी श्वेता पवार जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे गांव में कोरोना काल को लेकर या ओमिक्रॉन को लेकर स्थिति बेकाबू होगी तो उससे निपटने की हमने इस बार मजबूत तैयारी कर रखी है। जी देखिए, हमने ऐड भी किया हुआ है, ऐड के जरिए भी लोगों को संदेश दे रहे हैं और घर घर जाके भी हम ये बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखिए। प्रिकॉशंस यही हैं कि आप मास्क लगा कर रहिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, बाहर से जब घर आएँ तो हाथ धो के घर में घुसिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए। हम भी जितना हमसे भरसक प्रयास होगा जो व्यक्ति सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते उनको सरकार से दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी विनती है लोगों से कि जो भी गाइडलाइन सरकार ने कोरोना से बचाव की दी है उनका कड़ाई से पालन करें। चलिए सर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक आखिरी सवाल। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, एक व्यक्तिगत मैं आपसे एक वैसी राय ले रहा हूँ या सुझाव ले रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए किस पार्टी को आना चाहिए जो काम करती है, क्या लगता है आपको? देखिए ये तो एक पॉलिटिकल प्रिडिक्शन तो मैं नहीं करनी चाहता, लेकिन ये है कि हम तो एक गांव के एक सेवक हैं, पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा हम इससे नहीं कहेंगे, जो जनता जिसे चाहेगी अच्छा कार्य जो कर रहा है उसी को, मतलब कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते आप? नहीं। चलिए एक आखिरी बात, नव वर्ष की क्या आबूपुर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं अपने गांव वासियों को तहे दिल से 2022 की आने वाले साल की शुभकामनाएं देता हूं, वो सुखी रहें और उनका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहें। तो ये थे कृष्णमीर जून जी, देखिए कितनी अच्छी बात कही, मैंने जान पूछ कर इनसे पूछा कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, जनता का फैसला जनता तय करेगी।
अब 2022 में गांव में कितना परिवर्तन और होता है देखने वाली बात है। आज से कुछ समय बाद 6 महीने बाद या कुछ समय बाद फिर आएंगे और देखेंगे गांव में, मैं जब भी आता हूं उस गांव में एक मुझे नया परिवर्तन मिलता है। मुझे लगता है इन 5 साल में गांव में काफी डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन जनता से भी मैं अपील करूंगा कि अपने आसपास जरूर सफाई बनाए, क्योंकि जनता का सबसे बड़ा हाथ होता है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपने देश से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, ऐसी अपने आप से भी प्यार करें और अपने अड़ोस पड़ोस से भी प्यार करें। अपना ख्याल रखिए। मैं राजन राही, सच की रफ्तार। धन्यवाद।